वेलकम टू द चैनल एचआर जीके बाय एसके। इसमें हम आपके लिए लेके आए गए हैं टॉप 10 इंग्लिश क्वेश्चंस। इसमें हम जो भी आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे वो हम करेंगे। हमारी जो सीरीज़ है ये हमारी सीरीज़ 500 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ है। इसमें हमारा आज हम करेंगे पार्ट फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपरेशन कराएंगे? तो फर्स्ट है इसमें पटवारी, हरियाणा पटवारी, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, और इसमें जो जो इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे। सो फ्रेंड, इसमें 8 से 9 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इंग्लिश के, तो इनमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा बाहर। 500 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं और आगे एक्सपेक्टेड पूछे भी जाएंगे। तो 8 से 9 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? फिल इन द ब्लैंक्स, सेम मीनिंग पूछेंगे, अपोजिट मीनिंग, एक्टिव पैसिव वॉइस, इडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो फ्रेंड, क्वेश्चन ही यहाँ से बनते, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं जाता जो एसएससी पूछता है, वो सारे हम आपको कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है द क्राइम रेट इंक्रीजेज इन स्पाइट फॉर्मल मॉरल एजुकेशन गिवन इन स्कूल। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता हूं, तो इसमें बताओ एरर कहां पे है। तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो एरर आपका इसमें फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो एरर है, तो इसमें जो एरर दे रखा है फ्रेंड्स वो देखिए आप, द क्राइम रेट इंक्रीज, जो क्राइम रेट है वो क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है, किसके बावजूद? यहाँ पे एरर आपको दिख जाएगी इंस्पाइट। तो कभी भी इंस्पाइट अकेला नहीं आता, इसके साथ क्या आएगा, इंस्पाइट ऑफ रहेगा हमेशा। इसका मीनिंग है के बावजूद, इसका जो मीनिंग है के बावजूद, के बावजूद। तो मोरल इसके तो क्या आएगा इसमें, इंस्पाइट ऑफ, मोरल मतलब कि जो नैतिक शिक्षा देने के बावजूद भी क्राइम रेट क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 3/4 ऑफ द मैन हैज गोन टू वार, मींस कि जो 3/4 भाग है वो आदमी किस में गए, युद्ध के अंदर गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पॉज करके देख सकते हो, दिमाग में सोच सकते हो कि एरर कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स, एरर यहाँ पे हैज वर्ब में, क्योंकि 3/4 ऑफ द मैन, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मैन, और मैन क्या है, प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल के लिए जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल, प्लूरल ही आएगी, हैव आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आपका ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द कन्वर्सेशंस वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली आउट ऑफ द मेन टॉपिक। तो इसमें क्या कर रहा है, जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत है जो हो रही है, वी आर हैविंग इज कम्प्लीटली, पूरी तरह से कैसे हो रही है, वो मेन टॉपिक से हटके हो रही है, ठीक है, दूर। तो आउट ऑफ की जगह क्या यूज करेंगे, कम्प्लीटली ऑफ, ऑफ का मतलब होता है दूर, तो दूर यहाँ पे ऑफ यहाँ पे करेक्ट होगा, आउट ऑफ नहीं आएगा, तो एरर आपका इसी में ही बन गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये नोट कर लेने कि ऑफ का मतलब क्या होता है, कम्प्लीटली ऑफ, कम्प्लीटली ऑफ मतलब पूरी तरह से दूर, मेन टॉपिक से हट के बिल्कुल, ठीक है। या आपको एक कॉपी में नोट कर लेना या इस वीडियो को सेव कर लेना। नेक्स्ट है फोर्थ। उसके बाद है, सी वॉज अवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग थ्रू हर फादर्स माइंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या आ रहा है, सी वॉज अवेयर ऑफ, ये बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, सी वॉज अवेयर ऑफ वट वॉज गोइंग थ्रू हर फादर्स माइंड, उसके फादर के दिमाग में क्या चल रहा था, ठीक है, उससे वो पूरी तरह से अवेयर थी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। वट वॉज गोइंग थ्रू हर फादर्स माइंड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें कहीं पे भी एरर नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, तो इसमें क्या है, नो एरर। तो कहीं पे भी पूछा जाए तो ये एक सेंटेंस है, गोइंग थ्रू हर माइंड, गोइंग, तो आपको ये नोट कर लेना है, गोइंग थ्रू हर माइंड, गोइंग थ्रू हर माइंड, किसी के माइंड में,
ठीक है, इसका मीनिंग होता दिमाग में कुछ चलना, दिमाग में चलना। तो इसमें कोई एरर नहीं फ्रेंड्स, ये नोट कर लेना कि गोइंग थ्रू हर माइंड, इसका मीनिंग होता दिमाग में चलना कुछ ना कुछ। फिफ्थ है, उससे पहले एक अलग सेंटेंस और देख लेते हैं हम। माई नेबर इज वेरी डैश फॉर ही बिलीव्स दैट नथिंग गुड विल हैपन टू हिम। तो मेरे जो पड़ोसी है वो क्या बहुत ही किसमें बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें इनका मीनिंग का पता होना चाहिए। जो मीनिंग क्या कह रहा है, पेसिमिस्टिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी, ठीक है। और इसका अपोजिट ऑप्टिमिस्टिक का आशावादी हो जाएगा, ठीक है, आशावादी। और रीजनेबल, कोई मतलब कि कोई ना कोई कारण हो, ठीक है, रीजनेबल। और फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की तरफ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मतलब इन दो का तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, तो बनेगा किसका, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। तो इसमें से आप एक बार सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। माई नेबर इज वेरी डैश फॉर ही बिलीव्स दैट नथिंग गुड विल हैपन टू हिम। उनके साथ अच्छा नहीं होता होगा, मतलब कि जो मेरे पड़ोसी बिलीव करते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव तो आ नहीं सकता, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और पेसिमिस्टिक हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन फिफ्थ है, स्परियस का मतलब क्या होता है, फेक। तो ये सिनोनिम्स आपको ध्यान रखने फ्रेंड्स। उसके बाद सिक्स्थ है, सिक्स्थ है, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, छिपा हुआ। मतलब लेटेंट हीट नहीं होती है जैसे छिपी हुई, तो इसका ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, ट्रिक लेटेंट के अंदर छिपा दे, तो इसका मतलब छिपाना मतलब हिडन, तो आपको ध्यान रखना है। सेवन्थ क्वेश्चन, ओसीफाई, ओसीफाई का मीनिंग क्या है, पत्थर की तरह सख्त होना, मेक और बिकम लाइक ए स्टोन। मतलब जैसे किसी भी, जैसे कोई हड्डी है या कोई पत्थर, उसकी तरह सख्त हो जाना, ठीक है। उसके बाद है इडियम फ्रेजेस है, कुछ इडियम फ्रेजेस करेंगे फ्रेंड्स हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, बहुत ही ज़्यादा, जो आपके एक या दो तो पूछे ही जाते हैं हरियाणा पुलिस के एग्जाम में या पटवारी के में भी, ठीक है। एट डेगर्स डांस का मतलब स्थूलतापूर्ण, मतलब एनिमी, ठीक है। ए पेनीलोप वेब क्या हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला, ठीक है, एंडलेस, तो पूछा क्या जाएगा कि एंडलेस, ठीक है। पे ऑन द नेल मतलब कि तुरंत भुगतान करना, किसी को हमने देना है कोई पैसे वैसे, ठीक है, तो पे प्रॉम्प्ट तुरंत। उसके बाद टू गो टू द डॉग्स मतलब कि तो कुत्तों के पास जाना, एक तरह से याद रख सकते हो आप, तो टू बी रून बर्बाद होना, ठीक है, बर्बाद कर देना, इसका मीनिंग होता है। तो फ्रेंड्स उसके बाद है, चलते हैं हम नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, तो देखते हैं आपको ये आएंगे या नहीं। तो इसमें आप एक बार दिमाग लगा के देखो, द स्केड्यूल ऑफ ट्रैवल मतलब कि शेड्यूल, स्केड्यूल ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल का जो स्केड्यूल होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बोलेंगे इटिनरेरी, इटिनरी RARY, घुमक्कड़, ठीक है, जो हर टाइम घूमता रहता हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 10th, आपका लास्ट, समथिंग इच लास्ट फॉर आवर, जो हमेशा के लिए रहे, तो इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स इटर्नल। सो फ्रेंड्स ये आपकी हमारी सीरीज है, ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन कर लिए, तो डेली हम आपके लिए लेके आते रहेंगे नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।